ये जी हमारी ऑल्टो का कुछ सामान ये पड़ा हुआ है, ये गत्ते जी, हाँ बॉनेट खोल, ये गत्ता है और बाकी कुछ सामान जो है हम लोगों ने रखा हुआ है। बम्पर किधर पड़ा है इसका? बेसमेंट में पड़ा हुआ। ओहो अच्छा, चलिए बाकी इस तरफ आते हैं। तो ये जी हमारी गाड़ी तैयार हो रही है ऑल्टो, और इसमें पेंट जॉब हो गई है। अभी गाड़ी ज़रा मतलब फिटिंग में खड़ी है, ये इसके इंजन बे, अभी वायरिंग शायरिंग इसकी कंप्लीट हो गई है, इंजन स्टार्ट है, और ये आपके सामने हर चीज़ इसकी, रेडिएटर कंडेंसर हमने नया डाल दिया, जापानी एसी कंप्रेसर भी अच्छा डाल दिया, और मोस्टली लोग ये वाला जो है यहाँ से कटा हुआ ढलते हैं। अब मैं दूसरा हाथ मेरा बिजी है तो वो भी सेट कर दिए। कंप्यूटर आ गया फोर फॉरवर्ड, ये ओरिजिनल बोनेट टर्बो वाला, लेकिन हमने टर्बो इंजन नहीं डाला, उसमें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। और बम्पर नीचे पड़ा है ना, चलो छोड़ो। अच्छा ये इसकी फिटिंग वगैरह सारी हो गई है दरवाज़ों की, नीचे इसमें नमदे लगाए हैं हमने, बड़े बेहतरीन करके नमदे लगाए हैं गाड़ी में, फर्श बिल्कुल ठीक था उसको हमने नहीं छेड़ा, डैशबोर्ड फिट हो गया है, मीटर वगैरह फिट हो गया है, और आप देखें पिलर्स वगैरह ठीक हैं। बाकी इसकी फिटिंग का काम आज शुरू करना है हम लोगों ने। और ये गाड़ी बड़ी डिफरेंट तैयार होने वाली है जी, वेरी डिफरेंट। इसकी पिछली लुक मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ, अगला बम्पर अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन जब ये तैयार होगी यू गाइस आर गोइंग टू लव इट। लेकिन ये देखें वायरिंग शायरिंग सारी निकाली हुई हमने, लेकिन इस गाड़ी को लेने के लिए आपने पैसा तगड़ा रखना है। स्टे ट्यून्ड, इस गाड़ी की वीडियो बहुत जल्द आने वाली है फाइनल, और ये जो मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ जिसमें मैं आपको एक एक चीज़ें देखें, ये ग्रिप्स जो हैं उसकी हैं फॉग लैंप्स की, ये फॉग लैंप्स की ग्रिप्स हमने छोड़ी हुई हैं इसकी, और ये हेडलाइट्स की ग्रिप्स हैं, और इस तरह करके है। बाकी ओवरऑल मैं आपको दिखा चुका हूँ गाड़ी कि गाड़ी किस कंडीशन में खड़ी है और ये क्या तैयार होगी, तो तैयार रहिएगा जिन रील्स।